أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي العظيم اللهم صل على فاطمة وأمها وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها ولعن على ظالميها وقاتليها بعدد ما أحاط به علمك أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات کی آواز نعرہ تکبیر ایسے نہیں مل کے باواز بلند جواب دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم جو حضرات پیچھے تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے راہ للہ مولا حسین کے واسطے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں آگے آ جائیں بڑی جگہ پڑی ہے بہت نوازش آپ میں سے بھی اگر کوئی آگے آنا چاہے بے شک آ سکتے ہیں ایک مرتبہ مل کے آواز بلند صلوات پڑھئے بڑی نوازش بہت مہربانی ختمی مرتبہ صاحب صفات حمیدہ بی بی آمنہ کے نور دیدہ اور اللہ کے برگزیدہ نبی کا فرمان ذیشان ہے من صلی علیہ وعلی آلی جو شخص مجھ پر اور میری آل پر درود پڑھتا ہے خارجا من ذنوبہی قیوم ولدت ہو امہو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج کے دن پیدا ہوا بڑی نوازش اللہم صلی علی محمد و آل محمد محمد و آل محمد پر درود پڑھنے والا صلوات پڑھنے والا گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ آج کے دن پیدا ہوا ہو اور جو بچہ آج کے دن پیدا ہو اسے عرف عام میں کیا کہتے ہیں معصوم کہا جاتا ہے نا میں غلط تو نہیں کہہ رہا عرف عام میں اصطلاحاً نہیں کہا جاتا ہے کہ یہ معصوم بچہ ہے اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جن پر صلوات پڑھنے سے صلوات پڑھنے والا گناہوں سے اس قدر پاک ہو جائے کہ اسے معصوم کہا جائے تو جن پر صلوات ہے یا علی یا علی تو اپنے اپنے گناہوں کی محمد باجی اپنے اپنے گناہوں کی بخشش کے واسطے اور اپنے اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں توجہ ہے حضرات کی قُلْ لَا أَسْأَلْكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى فرمایا اے میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ میں تم سے
अपनी तबलीग का अजर नहीं मांगता सिवाय इसके कि मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। अल्लाह अकबर। यानी रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, नमाज बताई हमें, रोजा बताया, हज बताया, जकात कैसे अदा करनी है ये बताया, और जाते जाते मन कुन तो मौला हो फहादा। अल्लाह अकबर। या अली या अली। यानी ये तबलीग की और इसका अजर तलब किया। फरमाया अच्छा उजरत देना चाहते हो? जी या रसूल अल्लाह। फरमाया तो फिर इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, मेरे कुर्बा से मवद्दत करो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास कहते हैं मैंने सवाल किया या रसूल अल्लाह मन हाउला इल्लजीना वजबत अलैना, देखिए मेरी तरफ, वजबत अलैना मवद्दत हम, या रसूल अल्लाह अल्लाह ने जिनकी मवद्दत हम पे वाजिब की है वो कुर्बा है कौन, वो कुर्बा कौन है? तो रिसालत माब ने फरमाया हम अली व फातिमा तो वल हसन वल हुसैन कुर्बा से मवाद, एक मेरा भाई अली, मेरी बेटी फातिमा, मेरे दोनों नवासे बेटे हसन और हुसैन हैं, इनसे मवद्दत करो। अच्छा ये है मवद्दत, किसका अजर है? रिसालत का। बात मैं समझा के आगे बढ़ने लगा हूं। रिसालत का अजर क्या है? मवद्दत, अहले बैत से मोहब्बत, अली से मोहब्बत, जनाबे सैयदा से मोहब्बत, हसनैन शरीफैन से मोहब्बत, ये है अजर रिसालत। क्या? मवद्दत अहले बैत, मोहब्बत अहले बैत। लेकिन आज की इस मजलिस में मैं आपको अजर रिसालत यानी मवद्दत नहीं बता रहा, बल्कि इस मवद्दत और मोहब्बत का अजर बता रहा हूं। अल्लाह अकबर। यानी जो अली से प्यार करता है, जो जनाबे सैयदा से मवद्दत रखता है, जो हसन और हुसैन से प्यार करता है, हुसैन का आजादार है, आज मैं उसके फजाइल पढ़ने लगा हूं। आप में से जो भी है अली वाला, अली का शिया भी है, हुसैन का आजादार भी है, जो भी बैठे हैं, मैं आपके फजाइल पढ़ने लगा हूं, अपनी तरफ से नहीं। मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा के मिसदाक नबी ने बयान फरमाया, जो मेरे रसूल मौला ने फरमाया मैं वो बयान करने लगा हूं। एक मरतबा मिल के आवाज बुलंद सलावात पढ़िए। रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तवज्जो मेरी तरफ रहे, फरमाते हैं मन अहब्ब अलीयन फकद अहब्बनी वमन अहब्बनी फकद अहब्बल्ला वमन अहब्बल्ला अहब्बहुल्लाहु वमन अहब्बहुल्लाहु रज़ियल्लाहु अन्हु। फरमाया खबरदार हो जाओ, जिसने अली से मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की, जिसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की, और जिसने अल्लाह से मोहब्बत की फिर अल्लाह ने उससे मोहब्बत की, और जिससे अल्लाह ने मोहब्बत की, फरमाया तुम्हारे बनाने से नहीं, आओ मैं बताऊं, रजी अल्लाह अनहो, जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वही होता है अल्लाह को राजी। या अली या अली। जो जिससे अल्लाह मोहब्बत करे वो होता है रजी अल्लाह अन्हो। फिर दुआ मांगने की जरूरत नहीं कि अल्लाह उससे राजी हो ना, बल्कि रिसालत में आपने खबर दे दी, नतीजा दे दिया। जो अली से मोहब्बत करे उसने रसूल से की, जिसने रसूल से की उसने अली से अल्लाह से की, जिसने अल्लाह से की अल्लाह ने उससे की, और जिससे अल्लाह ने की वही रजी अल्लाह। अल्लाह अकबर। और मेरे रसूल ने आगे फरमाया वमन अहब्ब अलीयन,
यतकब्बल अल्लाह मिनहु सलातहु व सियामहु व हज्जहु व ज़कातहु। तवज्जो चाहता हूं, फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, जो अहले बैत का हो। अच्छा हाँ, ये भी देख लो, अपने आप को संभालो, अपने गरिबान में झांको, अपने आप को टटोलो कि आप में से मुहिब्बे अली है कौन। हाँ हाँ, देखें मोहब्बत के कुछ तकाजे हैं। जिसने अली से मोहब्बत की, ये उसका अजर बताने लगा हूं। और मोहब्बत क्या है? मोहब्बत है ही यही कि जो बंदा अली को अल्लाह की तरफ से मुकर्रर किया हुआ इमाम माने, अली की पैरवी करे, जो अली कहे वो करे, जिससे अली रोके उससे रुक जाए, अल्लाहु अकबर, और अली के दुश्मनों पे लानत करे, अल्लाहु अकबर, ये है अली से मोहब्बत। अब आओ रिसालत में आप फरमाते हैं, मन अहब्बा अलियन तकब्बल अल्लाहु मिनहु सलातहु व सियामहु व आमालहु व हज्जहु व ज़कातहु। फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, अल्लाह उसी की नमाज कबूल करता है, उसी का रोजा कबूल करता है, उसी की ज़कात कबूल करता है, उसी का हज कबूल करता है, और उसी की ही नेकियां कबूल करता है। अल्लाह अकबर, मिलके नहीं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नारा नहीं, मिलके जवाब दे, जिंदा नारा, बेदार नारा, अली वाला नारा, अली अली नारा। या अली या अली, जिसने अली से मोहब्बत की, आमाल उसके कबूल हैं। और आगे फरमाया वत्तजावज़ अन सय्यातिही, जो अली से मोहब्बत करे अल्लाह उसकी नेकियां कबूल करता है और उसके गुनाह माफ करता है, उसके गुनाह माफ करता है। और आगे बढ़िए, अलाउ वमन अहब्ब अलियन, जिसने अली से मोहब्बत की, जो अहले बैत का हुबदार है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जो अली का मुहिब है, इस्तगफरत लहुल मलाइका, अल्लाह के मुकर्रब तरीन फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते उसके लिए इस्तगफार करते हैं। अच्छा, अल्लाह के कौन से फरिश्ते बोले? मुकर्रब फरिश्ते। आओ मैं ये बताता चलूं, फरिश्ते मुकर्रब कैसे बनते हैं। अल्लाहु अकबर, जब मेरे मौला से पूछा गया, मौला फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब कैसे होते हैं, फरमाया इन्नल मलाइकता लयतकर्रबूना इलल्लाह बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। फरमाया फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में मुकर्रब होने के लिए अली की विलायत को वसीला बना। अल्लाह अल्लाह अकबर, बड़ी नवाज, बहुत मेहरबानी। अला, अच्छा, जिसके लिए फरिश्ते इस्तगफार करें, अल्लाह अकबर, गुनाहों की बख्शिश की तलब करें, बल्कि कहूं एक जुमला, तवज्जो मेरी तरफ रहे, अल्लाह अकबर, यहां क्या है, फरिश्ते इस्तगफार करते हैं। मजलिसे हुसैन में आप आए हैं ना, यकीनन आए हैं, हुसैन के अजादार हैं, हुसैन इस वक्त देख रहे हैं, आप पे हुसैन की नजर है, हुसैन आपके लिए इस्तगफार तलब कर रहे हैं, परवरदिगारा इन्हें माफ कर दे, इनके गुनाहों को बख्श दे। फिर अपने बाबा अली से कहते हैं, बाबा मेरे अजादार हैं, आप भी इनके लिए मगफरत तलब करें। फिर अपनी अम्मा से कहते हैं, अम्मा मेरे हुबदार हैं, मेरे अजादार हैं, आप भी इनके लिए मगफरत तलब करें। हसन भैया आप मुझसे बड़े हैं, मेरे अजादारों के लिए आप भी अल्लाह से मगफरत तलब करें। अब मुझे बताओ, पंज तने पाक, अल्लाह अकबर, जिसके लिए मगफरत तलब करें। नहीं नहीं, मैं यहां एक जुमला और अर्ज करने लगा हूं मेरे मोहतरम सामईन, अल्लाह कहता है
कि जो बंदा मुझे पंजतने पाक का वास्ता दे मैं उसकी दुआ रद्द नहीं करता। तवज्जो, जो बंदा मुझे पंजतने पाक का वास्ता दे मैं उसकी दुआ रद्द नहीं करता। जो अल्लाह जब इनका वास्ता रद्द नहीं करता और जब ये खुद वास्ते दुआ करने लग जाएं, या अली या अली, अल्लाह अकबर। जब पंजतने पाक आपके लिए मगफरत तलब करें, अल्लाह अकबर, अल्लाह क्यों नहीं बख्शेगा? यकीनन बख्शेगा। और इसीलिए तो एक और मकाम पे मेरे घबरा तो नहीं रहे, एक और मकाम पे मेरे रसूल ने फरमाया, मम माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन माता मगफूरा, फरमाया जो बंदा अहले बैत की मोहब्बत पे मर जाए वो बख्शा हुआ मरता है। अल्लाह अकबर। या अली या अली, अल्लाह अकबर। ये अजर है दुनिया में, मोहब्बत अहले बैत का ये अजर कहां है? दुनिया में। अब आओ, मरना भी तो है, बोले आओ जरा देखें मरते वक्त हमें क्या अजर मिल रहा है। फरमाया मन अहबालियन, खबरदार हो जाओ जिसने अली से मोहब्बत की, युहव्विनुल्लाहु अलैहि सकरातुल मौत, अल्लाह उस पे मौत की सारी सख्तियां आसान कर देता है। अल्लाह उस पे मौत की सारी सख्तियां आसान कर देता है। मौत की सख्ती पता नहीं है क्या? अगर किसी खारदार झाड़ी पर, कांटों वाली झाड़ी पर मलमल का बारीक कपड़ा डाल के फिर उसे खींचा जाए, जिस तरह वो तार तार होता है, अल्लाह अकबर, इतनी तकलीफ होती है रूह के निकलते वक्त, अल्लाह अकबर। और मेरे मासूम मौला फरमाते हैं, लेकिन जो अली का हुबदार है उसकी रूह उसके जिस्म से ऐसे निकल जाती है जैसे कोई खातून मक्खन से बाल निकाल ले। अल्लाह अकबर। जिसने अली से मोहब्बत की, जो अहले बैत का हुबदार है, मौत के वक्त एक और अजर मेरे रसूल बता रहे हैं। फरमाया मौत के वक्त एक और अजर, क्या? फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, जब वो मरेगा, यबअसुल्लाहु इलैहि मलकुल मौत, अल्लाह उसके पास मलकुल मौत को ऐसे भेजता है जैसे किसी नबी के पास। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितना बड़ा अजर है ये, कितना बड़ा अजर है ये। अलाव, अच्छा, मौत के वक्त बंदा मर जाए उसके बाद कहां छोड़ आते हैं? कब्रिस्तान, कब्र में उतार आते हैं। आओ अब आलम बरजख का अजर सुनो। फरमाया अलाव व मम्माता अला हुब्बे आले मुहम्मदिन, अलाव व मम्माता, हाँ हाँ, माता शहीदा, वो शहीद है जो मर गया वो शहीद है। और आगे फरमाया अला मन अहब्ब अलियन, जिसने अली से मोहब्बत की, जाल अल्लाह कब्रहु रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना, अल्लाह उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। अल्लाह अकबर। ये है अजर रिसालत का अजर, अल्लाह अकबर, मोहब्बत अहले बैत का अजर। क्या? अच्छा, ये पहला अजर है कब्र में, क्या? कि अल्लाह उसे, उसकी कब्र को जन्नत के बागों में से एक बाग बना देता है। यकीनन मियां जावेद हैदर कदरी साहब कहीं बैठे होंगे, सुन रहे होंगे, आज उनसे बहस हो रही थी तो वो कहने लगे कि कब्र से बड़ा डर लगता है, कब्र में बड़ा अंधेरा होगा। मैंने कहा ना डरा करें, अल्लाह अकबर, ना डरा करें। फरमाया वो क्यों? मैंने कहा मौला ने अजर बख्शा है। क्या? फरमाया मन अहब्ब अलियन,
नव्वर अल्लाह कब्रहु, फरमाया जो अली का मुहिब है उसकी कब्र को अल्लाह मुनव्वर कर देता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसकी कब्र को मुनव्वर कर देता है। और जिसकी कब्र को अल्लाह मुनव्वर करे वहां कितनी रोशनी होनी चाहिए। या अली या अली, अल्लाह अकबर। कब्र का आलम बरज़ख का एक और आज मेरे रसूल फरमाते हैं, फरमाया मन अहब अलीयन, जिसने अली से मोहब्बत कर ली, जो अली का हुबदार है कब्र में। एक और आज क्या फसाहुल्लाह मसीरता सब इना आम। आप में से जितने भी बैठे हैं, मौत फौत तो हर घर में होती रहती है, कब्रिस्तानों में भी आप गए होंगे, जाके सबसे पहले जितने भी लोग हैं जनाजे के बाद कब्र के पास मैयत पड़ी होती है, झांक झांक के देखते हैं ऐसे ना, कब्र खुली है या तंग है ऐसे ना। बल्कि जो वारिस मैयत होता है वो पहले उसको कह देता है कि हमारी मैयत ऐसे है, जरा खुली बनाना, बोले ऐसा है या नहीं है। ये तो आपका एहतमाम है ना। आओ मेरे रसूल फरमाते हैं मन अहब अलीयन, जिसने अली से मोहब्बत की, मेरे पिछले दोस्त भी जागते रहे, मन अहब अलीयन, जिसने अली से मोहब्बत की, फसाहुल्लाह कब्रहू मसीरत सबईन आमा, फरमाया अल्लाह उसकी कब्र को इतना वसी करता है कि उस पे बंदा 70 साल तक पैदल चल सकता है। देखें या तो नारा लगाए नहीं, टूटा फूटा नारा नहीं लगना चाहिए, अली नारा, अल्लाह कितना कितना वसी कर देता है अल्लाह, 70 साल जितनी मसाफत तक अल्लाह वसी। आज ये एतराज करते हो करबला पर, अभी मेरे मोहतरम मुल मकाम जनाबे अल्लामा मुफ्ती आबिद हुसैन साहब बता रहे थे आपको, और आपने मीडिया पे खबरें भी सुनी हैं कि 7 करोड़ से लेके 8 करोड़ तक की खबरें है ना करबला में, इस दफा 40 में आए, बोले है या ऐसा नहीं। आज एतराज करते हो कि छोटा सा तो करबला है, ये इतने बड़े सामईन, इतने बड़े जायरीन, ये कहां से आ गए। जब अल्लाह हुसैन के आजादार की कब्र को 70 साल की मसाफत जितना वसी कर देता है, खुद हुसैन की जगह को वसी नहीं कर सकता। या अली या अली, अल्लाह हाँ 70 साल की मसाफत जितना जब हुसैन के अजादार की कब्र को अल्लाह वसी कर देता है, अल्लाह। और करता कौन है अल्लाह, जिसका अपना नाम है अलवास, वुसअत देने वाला। हाँ बेशक यकीनन, यानी सिर्फ खिदमत नहीं कर रहे फरिश्ते, हाँ किताबों का जामिन हूं दिखा सकता हूं, जो फरिश्ता किसी जायर की खिदमत करता है तो फिर दूसरे फरिश्तों से कहता है मुझे मुबारक दो, मैंने आज फुलां जायर की ये खिदमत की है। हाँ अल्लाह अकबर, मन अहब्बा अली, जिसने अली से मोहब्बत की। एक अजर कब्र का और बता दूं, तवज्जो है, फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, जाल अल्लाहु कब्रहु मजारन ले मलाइकतिर रहमा, जो अली से मोहब्बत करे और उसकी जहां कब्र बन जाए, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते वहां उसकी कब्र की जियारत के लिए आते हैं। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने समझा ही नहीं।
मैं अपनी जुबान में इसका तर्जमा करता हूं। अभी देखें आप सारे वाह वाह करेंगे। देखें ज़ियारत गाह किसे कहते हैं, मजार किसे कहते हैं? मजार कहते हैं ज़ियारत गाह को। ये सामने हजरत शाह यूसुफ गर्देज का मजार है। क्या मतलब? यानी जाए ज़ियारत, ज़ियारत करने की जगह। अब मैंने समझा लिया, अब आओ मैं तर्जमा अपनी जुबान में करने लगा हूं। फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र पर सवारी करने आते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र पर जायर बन के आते हैं, उसकी कब्र की सवारी करने आते हैं। कब्र में आ जाओ, चले आओ। अलाउ वमम्माता, घबरा तो नहीं रहे आप? अल्लाह अकबर। फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, जा यौमल कयामत, आखिर तो एक दिन जाना है ना, कब्र से भी उठना है, कब्र में जितना अजर मिलना है वो मैं आपको सुना चुका, अब आओ कयामत के दिन अल्लाह हमें क्या अजर दे रहा है। फरमाया मन अहब अली, जिसने अली से मोहब्बत की, क्या अजर मिलेगा? फरमाया जा यौमल कयामत वजहु कल कमर लैलतिल बद्र। फरमाया जो बंदा कयामत के दिन अली वाला जब आएगा, जब अली वाला, अली से मोहब्बत करने वाला कब्र से उठ के कयामत के मैदान में आएगा, तो उसका चेहरा ऐसे चमक रहा होगा जैसे चौदहवीं का चांद। अल्लाह अकबर, जैसे चौदहवीं का चांद। बल्कि नहीं मेरे मोहतरम, मैं जुमला बदल ना दूं, बदल दूं। ये अभी मजलिस के शुरू में आप हदीस किसा पढ़ते हैं, आज भी पढ़ी गई है, ठीक है ना? मजलिस अजा शुरू होने से पहले जो हदीस किसा पढ़ी जाती है उसमें क्या है? उसमें यही कुछ है ना, रिसालत में आप आए, अपनी बेटी से क्या कहा? इन्नी अजदु फी बदनी ज़ौफ़न, मैं अपने जिस्म में, बदन में कमजोरी महसूस कर रहा हूं। इतीनी बिल किसाइल जमानी, मुझे अपनी यमानी चादर ला दो और मेरे तन पे डाल दो। तवज्जो, बस आगे है क्या, मैं अपने जुमले की तरफ आना चाह रहा हूं। फरमाया बीबी कहती हैं, जैसे ही मैंने अपनी चादर अपने बाबा के जिस्म पे डाली, तवज्जो, वैजाओ वजहु यतलालाओ कान्नहुल बद्र फी लैलते तमाम ही व कमाल, मेरे बाबा का चेहरा चौदहवीं के रात की रोशनी के साथ जगमगाने लग गया है ना। ऐसे मैं गलत तो नहीं कह रहा, ऐसे ही बीबी ने कहा है ना। अब आओ इसका तर्जमा सुनो, मन अहब अलीयन, जिसने अली से मोहब्बत की, कयामत के दिन जब वो आएगा, वाइजा वजहु यतलालाओ कान्नहुल बद्र फी लैलते तमाम ही व कमाले, तर्जमा करने लगा हूं, जब अली वाला कयामत के दिन आएगा तो उसका चेहरा ऐसे रोशन होगा जैसे बीबी बतूल की चादर डालने के बाद रसूल का चेहरा दमक रहा था। अल्लाह अकबर, ये कहां? कयामत के दिन। बस आखिरी बार, कयामत के दिन का एक और आजर, अलाउमन अहब अलीयन, फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की। अल्लाह अकबर, बड़ी नवाजिश, बहुत मेहरबानी। फरमाया जिसने अली से मोहब्बत की, अलबसहुल्लाह ताजल करामत, अलबस वज़ा अल्लाह ताजल करामत व अलबसहु हुल्लतल इज्जत। फरमाया जो कयामत के दिन अली वाला जब आएगा और चौदहवीं के रात के चांद की तरह उसका चेहरा चमक रहा होगा, तो फिर अली अल्लाह क्या करेगा? फरमाया अलबसहुल्लाह, अल्लाह उसके सर पर एक करामत का ताज रखेगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह उसके सर पर करामत का ताज रखेगा और उसे इज्जत का लिबास पहनाएगा, इज्जत का लिबास पहनाएगा।
यानी वो कयामत के दिन जो अल्लाह ताज पहनाएगा अली वाले को, वो हीरे का नहीं, चांदी का नहीं, सोने का नहीं, जबरजत का नहीं, मरवारीद का नहीं, तवज्जो चाहता हूं, किसी आम मोतियों से बना हुआ नहीं होगा, बल्कि वजा अल्लाह ताजल करामत, वो करामत का ताज होगा, करामत का ताज। और जो लिबास पहनाएगा किसका होगा? आम कपड़े का, जन्नत के रेशम का? ना, फरमाया अलबसहू हुल्लत अल इज्जत, इज्जत का लिबास पहनाएगा, इज्जत का लिबास पहनाएगा। और आओ मैं बताता चलूं कि अल्लाह की करामत क्या है, अल्लाह की इज्जत क्या है, कि जिसका अल्लाह ताज पहनाएगा और उसे इज्जत का लिबास पहनाएगा। अमीरुल मोमिनीन खतीबे मिंबर सलूनी वारिस मंजिलत हारूनी अपने खुतबे में इरशाद फरमाते हैं कि अय्युहन नास नहनु इज्जतुल्लाह व करामतुहु, अल्लाह की करामत भी हम हैं, अल्लाह की इज्जत भी हम हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह की इज्जत भी हम, अल्लाह की करामत भी हम। बस आखिरी जुमला, फरमाया मन अहब्बा अलीयन, जो अली से प्यार करता हुआ इस दुनिया से चला गया। अल्लाह अकबर, कयामत के दिन जब अपने सर पे ताज करामत रखकर, इज्जत का लिबास पहनकर खड़ा होगा, तो हातिफ़े गैबी की निदा आएगी, उदखुल मिन अय्ये बाबिन तशा, फरमाया जन्नत के सातों दरवाजे तेरे लिए खुले हैं, जिससे तेरी मर्जी उसमें दाखिल हो जा। अल्लाह अकबर, यानी अपनी मर्जी। ओ भाई अपनी मर्जी, तवज्जो है, जुमला देने लगा हूं, तमाम हजरात तवज्जो रख। जो बंदा अल्लाह की मर्जी से प्यार करके चला जाए, अल्लाह अकबर। भाई अल्लाह, अल्लाह की मर्जी अली है ना, बोले है या नहीं है? जो अल्लाह की मर्जी से प्यार करता रहा उसे कहा जाएगा आज तू अपनी मर्जी से जा। अल्लाह अकबर, ये है अजर मवद्दत का, मोहब्बत का। दुआ यही है कि अल्लाह हमें इसी मवद्दत मोहब्बत और विलायत पर कायम रखे, इसी पे हमारा खात्मा हो। अल्लाह अकबर, बस हा इसी मोहब्बत और मवद्दत को बचाने की खातिर हजरतुम अल्लाह अली और बतूल की बेटियां कभी करबला, कभी कूफा और कभी शाम का बाजार। मौला आपका ये अजर कबूल फरमाए। आजादारो बस मैं मिंबर अपने भाई के हवाले करने लगा हूं, सिर्फ देखो मेरी तरफ एक लम्हे के लिए, ताकि तकमील मजलिस हो जाए। आए ना जब सैयदु साजदीन मदीने में, वापस करबला से कूफा, कूफा की शाम, सारी कैद निभा के आए, इब्ने मुंजर मेरे मौला को पुरसा देने के लिए आया मदाइन से, मेरे मौला को पुरसा दिया, मेरे मौला ने उसको सारे हालात सुनाए और फिर उसने एक अजीब सवाल किया। उसने कहा मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें आप पर कहां नाजिल हुई? अजरकुम अल्लाह, आजादारो सुनते रहते हो, मौला के मुंह से तीन मरतबा निकला अश्शाम, अश्शाम, अश्शाम। फरमाया शाम में, शाम में, शाम में। रोने वालों, यहां मौला चाहते तो एक मर्तबा भी शाम कह सकते थे, चाहते तो दो मर्तबा भी कह सकते थे, चाहते तो चार मर्तबा भी कह सकते थे, लेकिन तीन मर्तबा कहा। क्यों? उलमाए मकातिल से जब सवाल किया, सुनोगे, उलमाए मकातिल कहते हैं तीन मर्तबा मेरे मौला ने शाम का नाम क्यों लिया? फरमाया शाम में तीन मकाम ऐसे थे कि जहां सबसे ज्यादा मुसीबतें आई हैं। कौन कौन सी? फरमाया सबसे पहले बाजार शाम, उसके बाद दरबार शाम,
और फिर उसके बाद जिंदान शाम। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अजादारो, शाम का बाजार कोई आम बाजार नहीं था अली की बेटियों के लिए, बड़ा सख्त बाजार था। इब्ने मुंजिर ने पूछा, मौला वहां ऐसी कौन सी मुसीबत है जो अब्बास के कटे हुए बाजुओं से भी बढ़ के है, जो अकबर के सीने में नेजा लगा उस मुसीबत से भी बढ़ के है, कासिम की लाश के टुकड़ों से भी बढ़ के जो मुसीबत है, आपके बाबा को खंजर से शहीद किया गया उससे भी बढ़ के मुसीबत है। फरमाया, हाँ सुनेगा मौला, कुछ तो बताएं। फरमाया, सबसे पहली पहली मुसीबत जब हम शाम के बाजार में पहुंचे, 1,00,000 बंदा ढोल बजा रहा था, अल्लाह अकबर, और दरमियान से अली की बेटियां गुजर रही थी। कुछ औरतें छतों पे चढ़ गईं और उन्होंने आग के शोले हम गरीबों पर फेंकने शुरू किए और लोग पत्थर लेके बाजारों में आ गए, उन्होंने हमें पत्थर का निशाना बनाया। इसके बाद उस मलून ने ऐलान किया, ए शाम वालों, ए यहूदियों, ए नसरानियों, जिस किसी ने अली से कोई बदला लेना हो, आज औलाद अली को बचाने वाला कोई नहीं है, आके बदला ले सकते हो। आजाद इब्ने मुंजर रो भी रहा है, कहते हैं मौला फिर क्या हुआ? कहा, अपने दादा अली के बदले देने शुरू किए। मौला कैसे? फरमाया, इस रंग में बदले दिए, जिसके पास लाठियां थी वो लाठियां लेके आ गए, जिसके पास पत्थर थे वो पत्थर लेके आ गए, जिसके पास आग थी वो आग लेके आ गए। और है इब्ने मुंजर, उन्हें हमें मारना चाहा, हमने कहा कि हम औलाद रसूल हैं, लेकिन वो नहीं माने, उन्होंने हमें इतना मारा, इतना मारा, थोड़ी देर के बाद मैं अपनी पुप्पी जैनब को नहीं पहचान सकता था, मेरी पुप्पी जैनब मुझे नहीं पहचान सकती थी, हम दोनों मिलके उम्मे कुलसूम को नहीं पहचान सकते थे। अला लअनतुल्लाह अलल कौम अज़्ज़ालिमीन।